ये एक बहादुर फौजी का बेटा है। काफी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी आज तक इनको नौकरी ना मिल सकी। विजय हर रोज एक उम्मीद का शीशा लेकर घर से नौकरी की तलाश में निकलता है और निराशा के पत्थर शीशा टूट जाता है। बाप की मजबूरी, गरीबी और सौतेली माँ के तानों के बावजूद इसने एमए पूरा किया है, लेकिन दो साल से लगातार यह हर सुबह एक नया सपना लेकर घर से निकलती है, लेकिन निराशा ही साथ लाती है। ये है विशाल, ये भी इन्हीं लोगों का साथी है। नौकरी की इन्हें भी तलाश है, लेकिन किस्मत इन्हें रोज अपनी पीठ दिखाकर मुस्कुरा देती है। ये है एक और पढ़े लिखे नौजवान अर्जुन। नौकरी की राहत अभी इन्हें भी नहीं मिली है, इसके बावजूद भी इनके हौसले बुलंद हैं। इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस तरह टिकरियों और उसूलों का बोझ ये लोग कब तक ठोते रहेंगे? शीशे के कमरे में इनके उसूल कब तक सांस ले पाएंगे? वक्त और हालात के पत्थर एक ना एक दिन इन्हें जख्मी कर ही देंगे, और तब शायद ये नहीं रहेंगे। इनकी गिनती भी उन्हीं लोगों में होगी जो अपनी जेबों में पत्थर छुपाए शीशे की दीवार ढूंढते फिरते हैं। शहर के हालात पहले से भी बदतर क्यों हैं? एक हाथ में डिग्री, एक हाथ में पत्थर क्यों? बस इसी तरह बिठलाता हूँ। ये लो एक और गुड़ की खा लो। रहने दो जी। अरे मैंने 100 बार कहा है जी जी मत कहा करो, फिर मेरे से होटल में काम नहीं होता। क्यों? मेरा आपसे प्यार करने को दिल करता है। तो कर लो ना जी। हे आशा, हाय, कैसी है तू? अरे कैसी है तू? हाय, सब ठीक है ना? हाय हाय अनीता, कहाँ है तेरा विशाल? आता ही होगा। आजा आजा, मेरा इंतजार था। अरे ठहरो, ये तो वही फेंटर पार्टी है बेरोजगार, तुम अंदर चलो और बाहर मत आना। अच्छा। मैं संभालता हूँ। अरे भाई तुम सारा सामान संभाल लो और संभाल लो। हाँ बस 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 बस, ये पार्टी वही है, तो बिल तो देती नहीं और खाने में सबसे आगे। हाँ अब चल चल चल, खड़े हो जाओ खड़े हो खड़े जाओ, कोई बात। अरे भाई बात ही हो रही रहेगी, कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए। चले चलो, आगे सवेरे सवेरे हाय डालने। कैसे हैं राम भरोसे जी? जैसे पहले था वैसे आज हूँ। आज कौन से मेरे फूल लग गए? लो ये भी आ गई, वाह किस्मत। मेरे पास कार तो है नहीं, पैदल चल के आना पड़ता है। बोलो सुनो, जैसे कि हम हर रोज हवाई जहाज में आते हैं। लो बताओ। अरे झमपुड़ी, तुमने कितनी बार समझाया है, यहाँ इतने झटके ना खाया कर। लो सुनो, इधर भी झटके ना खाऊं, उधर भी झटके ना खाऊं, तो फिर झटके कहाँ खाऊं? अब बहुत, तो मैं क्या समझाऊं? अरे भैया राम भरोसे जी, कमरिया ही देखते रहोगे, हम लोगों के पेट का भी कुछ ख्याल करोगे। अरे राम भरोसे जी, बहुत भूख लगी है ना भाई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? पहले पैसे दिखाओ। पैसे भी मिल जाएंगे राम भरोसे भाई, पहले नौकरी तो मिलने दो। क्यों भाई? भी कोई बात ही, हर समय यही जवाब होता है आपका। तो हर रोज की तरह आपको जवाब मिल गया ना। चलो अब आप हर रोज की तरह थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता भी भेज दो राम भरोसे जी। पैसा पैसा क्या करते हो, आपका पैसा कहाँ भागा जाता? जब देखो जब पैसा पैसा। अरे दे दो ना राम भरोसे जी, अर्जुन ठीक ही तो कह रहा है, जब साल पर साल बदल रहे हैं तो एक ना एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। क्यों? हाँ तब देखना राम भरोसे भाई, हम तुम्हारे साथ साथ इस ढाबे का भी हुलिया बदल देंगे। तुम यहाँ बर्तन नहीं मांजोगे, तुम और भाभी और मैं घूमोगे कार। हाय हाय, तुम लोगों की इन्हीं बातें ने तो राम भरोसे का 302 कर दिया। अरे दुखिया, हाँ? तूने अपनी माँ को दुख तो दिया, मुझे दुख देता है। जल्दी कर खाना अभी लगा ऐसा। अब मोटू जी जल्दी तैयार कर, अभी लगाते हो सब। चुपासी हो गया हो गया। गीता हाँ, लगता है तू जरूर किसी से लड़कर आई है, देख तेरी पैंट फटी हुई है। 6 महीने से एक पैंट रगड़ रही है, फटेगी नहीं तो और क्या होगा? अरे भाई ये कोई लखपति बाप की बेटी तो है नहीं जो रोज रोज नए नए कपड़े पहने। अगर तुम लोगों को मेरी फटी हुई पैंट इतनी अखर रही है तो एक मिनट मैं इसका इलाज करती हूँ।
शिकायत तो नहीं है? अरे गीता, शादी से पहले तेरा ये हाल है तो शादी के बाद विजय के साथ क्या गुल खिलाएगी? तू अपने अर्जुन की सोच मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। क्यों? देखो आशा, अब तुम और कोई करिश्मा नहीं दिखाना। मैं तुम लोगों की हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तुम कब तक मुफ्त की खाओगे? ये डिग्रियां फिरियां काम नहीं करेंगी। कुछ अगड़म करो, बगड़म करो, मेरी तरह तगड़म करो। कैसे? अगड़म बगड़म अरे दुनिया तिकड़म, अगड़म बगड़म दुनिया तिकड़म, जो न करे वो रह गया कड़कम, हाल है उसका पतला। अपना रोना रोले और रोले
रोले भैया ठन ठन पाले। जैसे माल है तेरे पिछके पिछके जा। महंगाई ने हाय खींच ली तन की सारी खाले। घर घर जाकर भीख मांग ले। लंगड़े लूले को मिलती है। तू भी अपनी टांग तोड़ ले। तो मंजिल से कूद चुका हूँ। रेल के नीचे जाकर सो जा। पटरी ट्रेन बदल देती है। लेकिन कहाँ से चंदा। चालू कर चोरी का धंधा। भूख बसी है हर मकान में। पाकिट काटना चालू कर दे। हर पाकिट से हर पाकिट से आंसू निकला। बस्ती वालों, हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि दो दिन के अंदर अंदर इस बस्ती को खाली कर दो, लेकिन तुम लोगों ने हमारा हुक्म नहीं माना। अभी तक यहां डेरा जमाए बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा इस बस्ती से प्यार है। नहीं चंद्रकांत, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चूहों को अपने बिल से निकालने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये देखो सालिम सिंह जी, हमने शुभारंभ कर दिया है। अब तुम लोग अपने जुल्मों का महारंभ करो। महारंभ। तुम आधे लोग उधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। बाबा शांतिलाल और चंद्रकांत आज फिर बस्ती खाली करवाने आए थे। जब हमने विरोध किया तो देखते ही देखते उन दिरुंदे ने बस्ती को शमशान घाट बना दिया। शरेआम बहु बेटियों की इज्जत लूट ली और हम कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। बेटा ऐसे मेरी बदनसीबी समझो कि मैं उस वक्त यहाँ नहीं था और इसी बीच वो जुल्म ठा गए। आखिरकार हम कब तक इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे? हमारी जिंदगी कीड़े मकड़ों से बदतर हो गई है। नहीं बाबा, अगर हम चुप रहे तो ये सांप इसी तरह हमें डस डस कर मारते रहेंगे। नहीं बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। हमारे देश में कानून है, व्यवस्था है और हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्ते जी। जी हाँ जी, ठीक है, देख लूंगा मैं। तुम तो जलसे में चल रहे हो ना, वहीं देख लेंगे जी। हाँ? अच्छा Come on!
नमस्ते मंत्री, ये हमारा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन। अरे राम गोपाल, हम तो जनता के सेवक हैं। अरे मंत्री, ये तेरी निकम्मे पुलिस सिवाय निहत्ते लोगों पर वार करने का कर भी क्या सकती है? अरे अगर इस देश की व्यवस्था का यही हाल रहा तो याद रखना, ये देश एक दिन जलकर राख हो जाएगा। चोर कमीने, चोर, ये जो सर सुखों का सपना दिखाकर तुमने बेड़े इकट्ठा किए, यही जनता एक दिन तुमसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांगेगी। मंत्री मत कर गरीबों के साथ से, मत कर बर्बाद हो जाएगा। सवाल इस बात का नहीं है कि आपके स्वार्थ के लिए बुलंद दरवाजे क्यों बनाए गए हैं, सवाल इस बात का भी नहीं है कि फूल बरसाने वाली लड़कियां क्यों बुलाई जाती हैं, सवाल तो इस बात का है कि हम गरीबों पर जुल्म क्यों होता है। सवाल इस बात का नहीं है कि तुम्हारी शान में 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है। अरे सवाल तो इस बात का है मंत्री कि गरीब बहु बेटियों की इज्जत क्यों ली जाती है। सवाल इस बात का नहीं कि तुमसे रोज नए भवनों का उद्घाटन क्यों कराया जाता है। सवाल इस बात का है कि उन भवनों को बनाने वाले गरीब मजदूरों की बस्तियां तो उजाड़ दी जाती है। मंत्री जी, ये लोग बड़े टपोरी किस्म के हैं, या कुछ भी हो सकता है, कृपया मेरे साथ चलिए। कहाँ तक भागोगे मंत्री? सारी दुनिया से भाग सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकोगे। बाहर की जिंदगी जीकर कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? आखिर कब तक, कब तक? सुनो पीछे, इन लोगों की शिकायतें जो है नोट कर लो जी। और फाइल मेरे पास ले आओ। यस सर। नमस्कार। बैठो। हाँ तो श्यामलाल जी, आज हमें नेकीलाल जी के दरबार में किस लिए याद किया गया? मंत्री जी, श्यामलाल जी भला आपको हमारे दरबार में क्यों बुलाएंगे? जरूर किसी दुष्ट ने दुष्कर्म किया होगा। मंत्री महोदय, आज सेठ दौलत राम जी को तो जानते ही होंगे। कौन से दौलत राम? अरे वही सेठ दौलत राम जो हमारे आदरणीय कर्ता धर्ता नेकीलाल जी के बहुत पुराने सेवक हैं, और जिनके नोटों से हमने चुनाव के वक्त गरीबों के वोट खरीदे थे, जिसकी वजह से आप मंत्री हैं और हम एमएलए। उन्हीं का लड़का चंद्रकांत और नेकीलाल जी के छोटे भाई शांतिलाल झोपड़पट्टी वालों से अपनी जमीन लेने के लिए गए थे। तो वहाँ झोपड़पट्टी वालों से कुछ कहा सुनी हो गई, उनको समझाने बुझाने में बस दो चार मर्डर और दो चार बलात्कार हो गए। वैसे कसूर तो उन बस्ती वालों का ही था, ये बेचारे तो बस उनको समझा बुझा ही रहे थे। आपसे क्या छुपाना मंत्री जी, आप तो हमारे घर के ही आदमी हैं, जरा एसपी खान को फोन करके मामला रफा दफा करवा दीजिए। वाह, दो चार मर्डर, दो चार बलात्कार, झोपड़पट्टी उजाड़ दी गई, आप चाहते मामला रफा दफा करवा दूं? आप जब भी लाते हैं ऐसे घटिया काम ही लाते हैं, जानते पार्टी में मेरी इज्जत का कितना खतरा होता। वाह मंत्री महोदय वाह, वाकई आपकी इज्जत का कचरा हो जाता है। आज से 3 साल पहले आपकी क्या इज्जत थी? भूल गए वो दिन जब राम भरोसे के ढाबे से चाय मांग मांग कर दिया करते थे, घर में बच्चे रोटी के लिए तुम्हारी जान को रोते थे, और तुम नेकीलाल के दरबार में घुटने टेक कर दया की भीख मांगा करते थे। ये तो नेकीलाल जी की कुत्ता नवाजी है जो तुम जैसे कुत्ते को नवाज कर आज इस पोजीशन पर पहुंचा दिया है, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी? और आज तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी हो गई, बढ़िया और घटिया का उपदेश देना शुरू हो गए। नहीं नहीं रिश्वत राम जी, पिछली बातों को दोहराने से क्या फायदा है? कल तक शायद ये किसी कोठे के रहे होंगे, आज मंत्री जी है, इनसे जरा इज्जत से बात करो। हाँ
पहले जब ये अपनी बीबी के लिए साड़ी लाते थे तो ब्लाउज पहले से फटा हुआ रहता था, लेकिन आज बहुत ठाट है क्योंकि आज ये मंत्री जी है। भाई एमएलए श्यामलाल, तुम्हें याद होगा कि एक बार जब ये कालिया कांड में फंस चुके थे और पुलिस इन पर रोलर चला रही थी, तब इनकी जुबान इतनी बाहर निकली थी जिसको हमने अंदर किया था, लेकिन आज ये सब कुछ भूल गए क्योंकि आज ये मंत्री जी है। हम लोगों के साथ आगे कब तक ऐसा होता रहेगा एसपी साहब? पेट की आग पहले ही हमारे ख्वाबों हमारे अरमानों को जलाकर राख कर चुकी है, और उस पर इस तरह का जुल्म? बहु बेटियों की इज्जत कब तक सरेआम लूटी जाती रहेगी? हाँ कब तक? अगर आप लोग इसी तरह चुपचाप बैठेंगे तो मजबूरन हमें अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है एसपी साहब, इस तरह कत्लेआम का तमाशा कब तक चलता रहेगा एसपी साहब? आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुजरिमों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगा, चाहे वो कितने बड़े भी क्यों ना हो। आप लोगों को कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक जमाने में ये हमारे आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते थे, लेकिन आज पूरा पुलिस फोर्स इनके आगे पीछे घूमता है क्योंकि आज ये मंत्री है। लेकिन भाइयों, मंत्री जी शायद भूल गए कि हम मंत्री को डायरेक्ट संतरी बना सकते हैं क्योंकि हम सुअर के बीज है। क्यों मंत्री जी, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ले लो फोन। हेलो एसपी खान। यस सर। लाल चौक वाले कांड को फौरन दबा दो सर, शांति भंग हो जाएगी। ओहो, तुम्हें शांति की पड़ी है? यहाँ सरकार और कुर्सी दोनों के लाल पड़े हैं। करेक्ट। सरकार रहेगी तो शांति फिर लौट आएगी, अंडरस्टैंड? थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू। क्या बात है एसपी साहब, आप इस तरह परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर आया है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम कर भी क्या सकते हो एसपी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी इंसानियत इस वर्दी और इस कुर्सी के नीचे दफन होकर मर चुकी है। तुम मर चुके हो एसपी, लेकिन अब हम और जीते जी नहीं मर सकते। आज के बाद हम अपनी रक्षा खुद करेंगे खुद। चलो भेजे विशाल, इस इंसाफ के मंदिर में मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। चलो कल तक तो ये किसी कोठे के रहे होंगे, लेकिन आज मंत्री जी है, इनसे जरा आदब से बात करो, आदब से। कल तक तो ये किसी कोठे के रहे होंगे, लेकिन आज मंत्री जी है। कल तक तो ये किसी कोठे के रहे होंगे, लेकिन आज मंत्री जी है। इन्हें मालूम नहीं कि हम इन्हें मंत्री से संतरी बना सकते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि हम इन्हें मंत्री से संतरी बना सकते हैं। मंत्री से संतरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सपना था। सो जाओ, सो जाओ। अरे रिश्वत राम, किन दुष्टों को हमारे पास लाए हो? नमस्कार हुजूर, ये बहुत मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, इन पर दुखों के बादल छाए हुए हैं, लानतों के पहाड़ टूट पड़े हैं इन पर। अब इस धरती पर सिर्फ आप ही ले बचा सकते हैं। ये अपने साथ 2 लाख का टीका भी लाए हैं। आओ बोलो। हम बहुत मुसीबत में हैं सरकार, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए सरकार। बाहर पुलिस वाले हमारे लिए फांसी का फंदा लिए खड़े हैं। अरे दुष्टों, पहले ये तो बताओ कि तुम लोगों ने किया क्या है? हमने अपनी बहू को जला दिया सर। माय गॉड। अरे दुष्टों, आजकल पार्लियामेंट में बहू को जलाने के खिलाफ नए नए कानून बन रहे। अब तुम शिट। जी में आता है कि तुम दोनों को इसी वक्त सजाए मौत दे दूं। हाय रे निकिलाल, तुमने भी ऐसा उसूल क्यों बनाया कि जो भी तुम्हारे दरबार में आता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जाओ जाओ,
तुम लोग अभी इसी वक्त अपने आत्मा की शुद्धिकरण के लिए चारों धाम की यात्रा पर निकल जाओ, ताकि सब कुछ मैं देख लूंगा। जाओ जी सर। जाओ। बहू को जलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनके बयान ले लीजिए, ये सिर्फ 5 मिनट के मेहमान हैं। बताओ तुमको किसने जलाया? क्या तुमको तुम्हारे पति ने जलाया? नहीं। तो फिर किसने जलाया? मेरी सास। राम सादी। आओ, नहीं मुझे मत मारो माँ जी, मुझे मत मारो। चिल्ला मत। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, बचाओ बचाओ। चिल्ला मत, सुन ले तूने। माँ पिता तुम मेरे शरण पड़ो। तुझे ना मारूं, तेरे बाप ने दहेज की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तेरी धोखे से यहाँ शादी कर दी और आज तक कुछ नहीं दिया। किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही है इस उम्र में? नहीं, इतना अच्छा भजन आ रहा है, भजन सुनो। नहीं माँ जी, नहीं नहीं माँ जी, नहीं 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 माँ जी, नहीं नहीं। चुप भाई, माँ जाने चुप। नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, मुझे मत हराम जाने। नहीं यार, चली जाऊंगी। अच्छा, तुझे जाने दूं ताकि जगह जगह मुंह काला करवा के हमारे खाए। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे बाबूजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, माँ जी को समझाइए। बाबूजी माँ जी को समझाइए। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ बाप ने यही कहा था कि आप ही मेरे माँ बाप हैं, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। नहीं बेटी नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी 1 लाख रुपया दे देते तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। अपने खानदान की चिंता का ख्याल कीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बहुत बोलती है तू। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी, नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। नहीं बाबूजी, नहीं रेणुका, मुझे छोड़ के बचा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रेणुका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रेणुका। दीपा, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? सिर्फ गरीबी और बेबसी। मैं तुम्हें रानी की तरह रखना चाहता था, मगर दुख और तकलीफों के सिवाय कुछ नहीं दिया। क्या क्या सपने देखे, गांव से शहर गया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मोटर बंगला सब कुछ होगा, मगर क्या हुआ, क्या बना? एक मामूली सा बाबू। तुम ऐसा कभी मत सोचना, मैं बहुत खुश हूं, मुझे आपका प्यार और 2 वक्त की रोटी सिवा कुछ नहीं चाहिए। पापा पापा। अरे अभी तक तुम लोग सोए नहीं? पापा मेरे लिए कपड़े लाना। और पापा पापा मेरे लिए किताबें लाना। अच्छा बेटे, मैं तेरे लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा और बेटी तेरे लिए किताबें लाऊंगा और मम्मी के लिए अच्छी सी साड़ी। अच्छा बच्चों, अब जाओ और अपने अर्जुन चाचा के पास जाकर सो जाओ। कौन है? अरे दिनेश, क्या कर रहे हो? बाहर बस्ती में चलते हैं, दीनदयाल की लड़की की मंगनी है, लोग बाहर मस्ती मार रहे हैं, तू यहाँ पड़ा है? नहीं यार, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम उस आवारा अर्जुन को ले जाओ। दिनेश, अर्जुन को छोड़ो, क्यों बहाना बना रहे हो, चलो बाहर चलें। दीपा, तो मैं जाऊं? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। Cheers. 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 Cheers without glass.
क्या चीज़ है? अच्छा, बहुत अच्छे, वाह, है ना? बहुत बढ़िया। साथ में आज का दौर तो क्या? ऐसा ही चलता। अब ठीक है जी। दिंदल जी, क्या हुआ? क्या हुआ दिंदल जी? दिंदल जी, दिंदल जी, अरे दिंदल जी देखिए क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? तो बोलो। अरे अरे क्या हुआ भाई? ये चांद दिंदल जी देखो इधर। अरे ये सब लगता है जहरीली शराब पी ली है लोगों ने। बाबा बाबा ये सब क्या हो गया? बाबा पता नहीं बेटा, ये सब अचानक हो गया, शायद जहरीली शराब पी होगी। दिनेश भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया क्या हो गया आपको? भैया क्या हो गया आपको? क्या हो गया भैया? उठाओ, उठाओ, क्या हो गया? अरे मैं नहीं बच सकता, मुझे अपनी टीमा से मिला दो। कुछ नहीं होगा, लोगों से बदला लोगों को हॉस्पिटल लेके चलो। इन लोगों ने मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। मेरे बच्चों को अनाथ हो रहा तू भैया। चलो दिनेश भैया, हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो, उठा ले, लेकर चलो, उठा लो भैया, जल्दी करो, हाँ करो। बाबे बाबे जल्दी देखो भैया को क्या हो गया? बाबे बाबे जल्दी देखो भैया को क्या हो गया? दिनेश, दिनेश, शरीर शराब पीने की वजह से इनकी हालत हुई है। दिनेश, दिनेश को बोलो ना, दिनेश तुम बोलते क्यों नहीं? दिनेश तुम बोल के गए थे ना कि अभी आता हूँ। दिनेश, दिनेश कुछ बोलो भैया, की खोलो भैया, कुछ बोलो। दिनेश तुम बोलते क्यों नहीं? कोई नहीं है भैया, नहीं बोलो भैया, कोई मुर्दे कभी बोला नहीं करते, अर्जुन मुर्दे कभी बोला नहीं करते। मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुन्नी को किताब ला दो और मुन्ना को शर्ट। दिनेश कुछ बोलो भैया को, बोलो ना कुछ, बोलने को दिनेश कुछ बोलो। दुखिया भाई, चंद्रकांत जी के साथियों की सेवा करो, इनके लिए लस्सी बनाओ। मोटू जी, चंद्रकांत के लिए लस्सी बनाओ भाई। अभी ला जी, अभी लाया। बंद करो ये लस्सी का अखाड़ा। मैं सेठ दौलत राम का लड़का चंद्रकांत हूँ, और श्रीमान नेकीलाल जी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उनके छोटे भाई शांतिलाल का मैं परम मित्र हूँ। तुम्हारी ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, अब मैं यहां फाइव स्टार होटल बनाऊंगा, इसलिए तुम अपना ये कबाड़ खाना लेकर यहां से 24 घंटों के अंदर निकल लोगे, नहीं तो तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे। नहीं चंद्रकांत जी, मैं यहां पर 15 साल से रह रहा हूं, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे से मेरी रोजी और रोटी मत छीनिए। बकवास बंद कर, जितना कहा गया उतना ही कर, समझे? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ पांव ही तोड़े हैं, अगर 24 घंटों के बाद भी तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हारी कब्र पर 5 स्टार होटल बनाऊंगा, समझे? चलो। आई, 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 मैं मारा गया, मुझे पीट डाला दुखिया, मोटू मेरी दवाई लेकर आ, दवाई लेकर आ, मैं मेरे थोपड़े का डिजाइन ही बदल डाला। हाय राम, ये सब क्या हो गया? किसने मारा तुम्हें? नहीं नहीं दारू मत पियो, नहीं, नहीं, मुझे रोग मत, मुझे रोग मत, मुझे पीने दो।
ये क्या कर रहे हो? मत पियो ना। अब मैं बापूजी के पास जाता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ कि तुम्हारे ऐसा आबादी मुल्क में यह गुंडागर्दी और मारपीट क्यों है। जाता हूँ मैं। मत जाइए, जाता हूँ, चले जाइएगा। सुबह नहीं, मैं भी जाऊँगा। हमेशा यही, मैं बापू के पास अभी जाऊँगा। मैं जाता हूँ, चले जाइएगा ना। हाँ, सुबह चले जाइएगा बापू जी के पास। मैंने अभी जाना था। अजी सुनते हो, तुम्हारी लाडली बेटी क्या कर रही है, कहाँ रहती है, कुछ पता है तुम्हें? क्यों हमेशा उसी के पीछे पड़ी रहती हो? वो बेचारी नौकरी की तलाश में थकी हारी आराम कर रही होगी। गीता बेटी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं जुल्म के खिलाफ लड़ने जा रही हूँ बाबा। इस देश के दुश्मनों को खत्म करके ही दम लूंगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तेरा दिल नहीं भरा क्या? सारे खानदान की नाक कटवा के ही रहेगी? मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत कर ली मौसी, लेकिन अब मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। ये फैसला करने से पहले मेरी एक बात सुन ले। जज्बात के आंगन में फौलाद की फसल नहीं लगाई जाती। और अपने बूढ़े बाप और छोटी बहन की तरफ देख बेटी। जिन लोगों से तुम दुश्मनी मोल लेने जा रही हो, अरे उनके हाथ बहुत लंबे हैं। कानून तो उनकी परछाई भी नहीं छू सकता, और गरीब आदमी उनकी इजाजत के बिना तो सांस भी नहीं ले सकता बेटी, सांस भी नहीं ले सकता। ये बात तो मुझे आपने सिखाई है बाबा कि जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, मुझे जाने दो। तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रुक जाओ दीदी, मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगी। जीऊंगी तो इज्जत की जिंदगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। नहीं संगीता, तुम अभी मासूम हो, तुम यहीं रहो, बाबा और मसीह की सेवा करो। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रही हूँ। सुनो 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 विजय बेटा, तुम लोग जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं गुलामी क्या चीज होती है। इस देश को आजाद करवाने में कितनी जनता और कितने नेताओं ने अपने जान माल की कुर्बानी दी है, ये हम जानते हैं बेटा। ये देश यूं ही आजाद नहीं हुआ, न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। देश तो आजाद हो गया बाबा, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को आजाद करवाया उनको क्या मिला? न तो वक्त की रोटी, न सर छुपाने के लिए जगह, न इज्जत से जी सकते हैं, न चैन से मर सकते हैं। ये जो बेटा आपके सामने खड़ा है ना बाबा, उसके भी अपने कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। मैंने भी सोचा था कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूंगा, इस देश की सेवा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। विजय बेटा, बाबा ये सरकार डिग्री देती लेकिन नौकरी नहीं दे पाती, और जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती उसे डिग्री देने का कोई हक नहीं है। और आप कहते हैं कि अपने देश को आजाद करवाएं, इससे तो अच्छा था कि हम आज हम सब मिलकर कसम खाते हैं, आज के बाद हम कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म करने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। हम आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, मरते दम तक इंसाफ का साथ देंगे। हम कभी भी अपने इरादे नहीं बदलेंगे, चाहे इस जंग में हमारी जान ही क्यों ना चल जाए। अपना खून देकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि वक्त आने पर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे।
मैं मर गया। सेठ जी आप नहीं, मैं मर गया। मेरा सब कुछ टूट गया है, ताकि तू तोड़ रहा है साले। स्टॉप। ये लो चाय ले लो। चाय मैं क्या करूंगा? और क्या लाऊं? मुझे चुम्बन दे दो, इंजेक्शन का काम करेगा। इतना पिट चुके हो फिर भी मस्ती सूझ रही है। नहीं ना, छोड़ो, आराम करो, छोड़ो ना। एक चुम्बन दे दे। अरे जी, ये सब चोटें कैसे आई आपको? भाई तुम लोगों के इस काम से क्या लेना देना? अगर मैं बता भी दूं कि चंद्रकांत और उसके साथियों ने मेरा ये डेकोरेशन किया है और कल तक जगह छोड़ने की धमकी दी है, कहने लगा ये जगह ना छोड़ी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, अरे भाई तुम अपना खाओ पियो और मौज करो और अपनियां नौकरियां ढूंढो, मेरा क्या है? मैं तो कहीं और चला जाऊंगा। नहीं राम भरोसे जी, नहीं। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, अब हम सब आपके साथ हैं। आज के बाद हमने कसम खाई है कि ना ही हम जुल्म सहेंगे और ना ही हम जुल्म होने देंगे। हम अब नौकरी नहीं ढूंढेंगे, जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आपका ढाबा यही रहेगा राम भरोसे जी, देखते हैं कौन हटाता है यहाँ से। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान आपको इस काम में सफलता दे। लुटा
चंद्रकांत, तू चाहे भागने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन तुझे अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। अबे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? चल, तुझे तेरे जहरीले शराब के दरिया में डुबो देते हैं। चल, मुझे छोड़ दो। चंद्रकांत ने बहुत तुमको रुलाया। तूने जिंदगी बर्बाद की है चंद्रकांत। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये वो शराब है जिसके कारण कई औरतें भाग गईं। ये वो शराब है जिसके कारण कई मासूम बच्चे अनाथ हो गए। पे चंद्रकांत, पे। ये वो शराब है, ये वो शराब है चंद्रकांत, जिसके कारण मेरी भाभी, मेरा भाई मुझसे बिछड़ गए। इसी शराब के कारण भी तुझे पीनी होगी। पे, पे। कौन हो तुम लोग? मैं पूछता हूं कौन हो तुम लोग? हम हैं तुम्हारी मौत।
लगता है भाग गया शांतिलाल, लेकिन बचकर जाएगा कहां? चलो चलते हैं। हाँ। है? तो तुम लोग ये बताने आए हो कि कल के लौंडे लौंडियों ने तुम जैसे माहिर अपराधियों को मारा? दफा हो जाओ यहां से। चलो मंत्री जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे अड्डे तोड़े जा रहे हैं, हमारे आदमियों को कुत्ते की तरह मारा जा रहा है, उन्हें जहरीली शराब पिलाई जा रही है, हैं? बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे खुशी की बात, श्यामलाल कौन है ये? अरे कौन है ये भैया? अरे भैया, अरे मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई शांतिलाल। उन लोगों ने अपनी पूरी फैक्ट्री फोड़ डाली और मेरा यह हाल किया भैया, अभी तक खून बंद नहीं होता। देखो किस बेरहमी से पीटा है जालिमों ने शांतिलाल को। क्यों मंत्री जी, क्या अमीर और गरीब के खून की आपने एक ही कीमत लगा रखी है? उन लोगों की ये हिम्मत? ठीक है शांतिलाल, तुम जाओ आराम करो, मैं सब देख लूंगा। मंत्री जी, आप अपने हाथ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, शायद आप ये भूल गए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम सुअर के बीच हैं। आप उन लोगों को कानून के जरिए सजाए मौत दिलवाइए, वरना हम उन्हें सजाए मौत देंगे क्योंकि हम सुअर के बीच हैं। नहीं नहीं निखिल जी, ऐसी बात नहीं, मैं उन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करवाता हूं, आप इत्मीनान रखिए। हेलो एसपी खान हियर। सुनो एसपी खान, विजय अर्जुन और उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लो। सर अर्जुन विजय वगैरह को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, असली मुजरिम तो कोई और ही है, लेकिन आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करने देते। अरे ये काम तुम्हारा नहीं है, मैं किससे बैठा हूं यहां पे, मुझे वे सब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार चाहिए, समझे? नहीं जी, ये तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे इसमें एक बात जरूर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाद में। पहले ये बताओ अर्जुन विजय और उसके साथियों को गिरफ्तार किया कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी हुई नहीं है, हो जाएगी। तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उनसे मिले हुए हो, तुम भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हो। मंत्री जी, ऐसे घटिया और निकम्मे पुलिस ऑफिसर को तो डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। ए, क्या कर रहे हो? क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ अर्जुन विजय और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाओ। यस सर। क्यों डर गए मंत्री जी? हैं? अपने आप से डर गए? अरे मैं पूछता हूं क्या फायदा है ऐसी कुर्सी का जिस पे बैठ के तुम अपनी इंसानियत अपने जमीर से गिर चुके हो, हैं? अरे तुम्हारी आंखों के सामने बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बस्तियां जलाई जा रही हैं, गरीबों को तंग किया जा रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। मैं कहता हूं छोड़ दे कुर्सी, छोड़ दे कुर्सी और राजा मेरे साथ बच जा। वही इंसान जिसके पास सुकून था, चैन था, दो वक्त की रोटी इज्जत और ईमानदारी से खाता था, छोड़ दे कुर्सी मंत्री, छोड़ दे। नहीं, मैं कुर्सी कभी नहीं छोड़ूंगा, इसे पाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी है, कभी नहीं छोड़ूंगा। जा, चले जा यहां से। पछताएगा मंत्री, तू बहुत पछताएगा। अब सब लोगों को हमारे साथ एसपी ऑफिस चलना पड़ेगा, एसपी साहब ने आपको तफ्तीश के लिए बुलाया है। इंस्पेक्टर, हम क्यों चले एसपी ऑफिस? हमने क्या गुनाह किया है? हाँ देखिए, आप लोग चलिए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अर्जुन, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो वहां चलने में क्या हर्ज है? चलो चलो, हाँ चलो डॉक्टर।
हरे अब से टकराने की हिम्मत की पढ़ो पढ़ो सारा कहां है वो लोग कौन है मैं पूछा तू कौन है मैं गीता का बाप हूं अच्छा तो तू ही उस कमीनी नागिन का बाप है वो भी बच्ची है वक्त के तकाजे को समझती नहीं है उसे माफ कर दो मैं आपके आगे दया की भीख मांगता हूं दया की भीख तो सिर्फ ऊपर वाला देता है हम तो सिर्फ दुख और अशांति देते हैं। आराम दे। मेरे बाबा को छोड़ दो। मेरे बाबा को मत मारो। मेरे बाबा को छोड़ दो। क्या बात है बेबी? तो तू है उस नागिन की खूबसूरत बहन, हाँ? सालम सिंह। ले चलो इस लड़की को अपने साथ। नहीं। बारिश हो रहा है। मैं कहती छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो। अरे ये क्या? अरे जालिमो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान? बाबा, बाबा, अभी ये लोग मेरे बाबा को मार डालेंगे। क्या किसी को दया नहीं आती? मर गया तुम लोगों का खून सफेद हो गया है। छोड़ दो मुझे, बाबा, बाबा। जालिम सिंह ले चलो इस छुई मुई गुड़िया को बहुत बोलती है सारी नहीं नहीं इसे छोड़ दो अरे इसे छोड़ दो अरे तुम लोग नामर्द हो गए हो क्या तुम्हारी बस्ती की लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं छोड़ दो रामजादे छोड़ दे छोड़ दे इसे छोड़ दे रामजादे लड़की को यानी बस्ती वालों मेरा खून सफेद नहीं लाल है ला इल्ला इल्ला देखो कानून को तुम लोग अपने हाथ में मत लो वरना क्या है कि मुझे मजबूर गीता के बाबा और उसके मौसी को बदमाशों ने जान से मार दिया और वो लोग संगीता को उठाकर ले गए नहीं ऐसे नहीं हो सकता देखो एसपी साहब उन लोगों ने मेरे बाबा और मेरी मौसी को मार डाला अब कर गई ना कलेजे में ठड़प देखा एसपी साहब आपके देखते देखते एक गरीब का घर और उजड़ गया लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है आपकी आत्मा आपकी इंसानियत तो इस कुर्सी इस वर्दी की मोहताज है छोड़ हो जाए कहां तुम इनसे न्याय की उम्मीद करते हो हाँ तुम लोगों ने ठीक कहा है तुम लोगों ने मेरे कंधों पर ये लगे स्टार और तमगे ही देखे हैं मेरे मातहत काम करने वाले लोगों की भीड़ तो देखी है लेकिन मैं कितना मजबूर कितना लाचार हूं यह सिर्फ मैं ही जानता हूं या फिर मेरा खुदा जानता है लेकिन हम लाचार नहीं एसपी साहब चलो भी चर्च में ठहरो तुम लोग यहां से नहीं जा सकते यह ऊपर का ऑर्डर है नो इंस्पेक्टर इन्हें जाने दो बाबा ये सब क्या हो गया बाबा तुम मुझसे इस तरह नहीं रोक सकते अपने पाल पोस कर जिस बेटी को इतना बड़ा किया उसका अकेला छोड़ के नहीं जा सकते बाबा बोलो बाबा अब किसके कंधे पर सर रख कर अपने दुख दर्द बांटूंगा सब्र से काम लो गीता हम सब तुम्हारे साथ हैं गीता तुम अकेली नहीं हो मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ लेकिन इस वक्त जज्बातों से नहीं हिम्मत और हौसले से काम ले रहा है मैं भाभी चिंता तुम्हारे हाथ बना है भाभी
मैं उन्हें चट चट के मारूंगा, बहुत चट चट के मारूंगा, मैं उन्हें चट चट के मारूंगा। ये सब क्या हो गया मुझे? हमने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन शायद मेरे नसीब माँ बाप का प्यार नहीं था, नहीं था। जो कुछ होना था वो हो चुका गीता, अब संगीता के बारे में सोचो, ना जाने वो कहाँ और किस हाल में हो। डरो मत बेबी, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तू जानती नहीं, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। जिस शराफत से हम तुझे उठा लाए थे, उसी शराफत से हम तुझे वापस छोड़ाएंगे। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। नाउ कम ऑन, कम ऑन बेबी, आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम तो इस तरह कांप रही हो जैसे अंग्रेजों के जमाने में लड़कियां कांपा करती थी। लेकिन बेबी तुम भूल गई हो, हम आजाद हैं। और आओ, आ जाओ। ए छोकरे, इस शांति लाल के दिल को अगर शांति ना मिले तो अशांति फैला दूंगा। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मैं आपकी बहन समान हूँ, मैं आपकी बेटी समान हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। किसकी बेटी किसकी बहन? इसको कहनो मान लो लड़की, वरना ये शांति लाल अशांति फैला देगा। मैं हूँ बेटी, वतन की लाज लूटो ना अपनी बहन की, लाज लूटो ना अपनी बहन की। मैं हूँ बेटी तुम्हारे वतन की, लाज लूटो ना अपनी बहन की, लाज लूटो ना अपनी बहन की। जाने दो यूं ना सताओ, जिस्म से यूं ना पर्दा हटाओ। एक औरत की संतान हो के एक औरत को यूं ना बचाओ। है कसम तुमको, है कसम तुमको गंगो जमदी, लाज लूटो ना अपनी बहन की, लाज लूटो ना अपनी बहन की। We'll be right back.
बहन की। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। सभी का यही हश होगा। और हम ज़ादों जिन लोगों ने मेरे बाबा मौसी और मेरी मासूम बहन की जान ली, मैं उन लोगों की जान लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। संगीत का खून बेकार नहीं, संगीत का खून बेकार नहीं जाएगा। नहीं, नहीं। तूफान सर पे उठा रखा है मंत्री जी, इससे पहले कि तूफान सर से उठ जाए, जरा गौर से देखिए, देखिए गरीब बाप के मालों की लाश है। ये लाश किसकी लाश है? ये हिंदुस्तान की एक बेटी की लाश है। ये लाश आपके दर पर दो गज कफन के लिए आपके यहाँ इंतजार लेकर नहीं आई है। गौर से देखो मंत्री, गौर से देखो इस लाश को, देखो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे बहन के बंद होट आपसे ये पूछते हैं कि कौन सी जगह है जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है। लानत है तेरे सफेद लिबास पर, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। तुझे तो इस कुर्सी और इस सोने चांदी की खनक के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता मंत्री, नहीं सुनाई देती गरीबों की मजबूरी, उनकी हाहाकार। मंत्री मत कर ऐसा, मत कर, मत खेल गरीबों की जिद्दत। इससे पहले कि आपकी समझ में कुछ और आए, आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए मंत्री साहब कि इस देश की जनता आपकी मेहरबानी की मोहताज नहीं है।
कुछ समझे आप? मत बोल, जो जनता तुझे इस कुर्सी पर बिठा सकती है वही तुझे घसीट कर फुटपाथ पर भी ला सकती है। जब सब्र का पैमाना छलकता है तो सबकी वजह बन सकती है मंत्री, वजह बन सकती है। इतना याद रखना मंत्री, ये गरीबों की आहें तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगी। सुनो, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। अब तुम लोग जा सकते हो। और कितनों की जान लोगे देश के दुश्मनों? क्या सारे देश के कब्रिस्तान में बदल देने के बाद दोषी को सजा मिलेगी? जिनके साथ अत्याचार हुआ है अगर आपने उनको न्याय नहीं दिलवाया तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अनुराधा? आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। बात समझो, मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी खुशी से तो नहीं करता। चुनाव से लेके मंत्री बनने तक जिन्होंने मेरी सहायता की है उनसे भी मैंने कुछ वादे किए। आपको उनसे किए हुए वायदे तो याद है, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेते समय आपने भारत सरकार से भी तो कुछ वायदे किए थे। मैं अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दूंगा, ईमानदारी का साथ दूंगा, वो सब भूल गए? लेकिन आप अपना फर्ज निभाने के बजाय गद्दारों का साथ दे रहे हैं। मैं आगे परेशान हुआ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मर गई अनुराधा, देश के साथ गद्दारी करने वाले पति के साथ जीवन बिताने से तो मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। क्या करें अनु? मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। छोड़ दो, छोड़ दो से। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे ही करूंगा। ओके, मैं उन्हें साफ दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, आज तुम सबने मिलके मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं आज के बाद कोई दरिंदा कभी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। यकीन रखो तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा। आप जैसा कह रहे हैं अगर वैसा ही आप करें तो जिस तरह महात्मा गांधी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस देश को आजाद कराने के लिए इस जनता ने साथ दिया था, आज वही जनता इस देश के नेता का साथ भी दे सकती है अगर आप उनका दरों खात्मा करें तो। सत्य में विजय थे, सत्य में विजय थे। जी अच्छा, इंस्पेक्टर नेकीलाल के गैंग के सभी बदमाशों को गिरफ्तार करो, उनके सारे अड्डों को सील कर दो। वो लोग शहर के किसी भी कोने में छुपे हो उन्हें गिरफ्तार करो। अगर वो कब्र में चले गए हो तो उन्हें वहां से भी खोदकर वापस लाओ, और अगर शमशान की आग ने उन्हें जला दिया हो तो उनकी राख को समेटकर यहां वापस लाओ। ने हमारे धरावी वाले गोदामों पर छापा मार दिया है और हमारे सभी आदमियों को पकड़ लिया है। नेकीलाल जी, गजब हो गया, पुलिस वालों ने दारू की सभी भट्टियों तोड़ डाला है और अब वो लश्कर वाले गोदाम की तरफ गए हैं। मंत्री जी, हमने तुम्हारी पुलिस को निकम्मी और हरामी कह दिया तो तुमने उसको इतना चुस्त बना दिया कि वो हमारे गोदामों और हमारे आदमियों पर ही चुस्ती दिखा रही है। देखो, हम और हमारे आदमी हरकत में आ गए, तुम सबका जीना हराम हो जाएगा। ये हवाई फायर करना छोड़ दो निकिलाल, तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि फौरन गीता के घर वालों के कातिलों को पुलिस के हवाले कर दो, समझे? क्या कहा था? पागल है साला, खुद को धर्मात्मा समझने लगा है।
जब हमारी एक गोली उसके भेजे से आर पार हो जाएगी ना, तो सारे उपदेश भूल जाएगा। नहीं नहीं लाल जी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर उस मंत्री की औकात ही क्या है? हम भी तो जनता के चुने हुए नेता हैं। हम खुद जाकर बात करेंगे उस दो कौड़ी के मंत्री से। ठीक है, उसे समझा देना कि हम हार बर्दाश्त नहीं करते और जीतने के लिए हम कितने हद तक नीचे जाते हैं ये वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि हम सुअर के बीच है। दौलतराम और विक्रम सिंह जैसे शरीफ आदमियों को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है जी? वाह, बहुत खूब। सरेआम दंगा फसाद और लूट मार करने वाले आप लोगों के लिए शरीफ आदमी हो गए। जो लोग खाने की चीजों में मिलावट करते हैं वो इज्जतदार ईमानदार कब से हो गए? सोच समझ कर बात कीजिए मंत्री जी। जिन लोगों को सरे बाजार फांसी पे लटका देना चाहिए उनकी तरफ से मेरे सामने कर रहे हैं आप लोग। चुल्ल भर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को। वाह, आज आप धर्मात्मा बन बैठे। इस बात से हमने कब इनकार किया है कि वो काला धंधा नहीं करते? हाँ, वो चोर बाजारी करते हैं, लेकिन जिस इलाके से हम खड़े होते हैं वो वहां से हमें वोट दिलवाते हैं और चंदा भी वही देते हैं। मेरा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। अभी भी वक्त है मंत्री जी। ये तो वक्त ही बढ़ाएगा। नेकी लाल जैसे आदमी से दुश्मनी मत लेना, आपके बस की बात नहीं। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो मंत्री जी? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया हमने। जाओ जाके कह दो उन बदमाशों को जिसे उन्होंने मंत्री बनाया था वो मर चुका, आज एक नया मंत्री पैदा हुआ है। जिन्हें आप बदमाश कह रहे हैं वो हमारे लिए भगवान हैं, जो हमारा भाग्य बनाते हैं, हमें लाखों का चंदा दिलवाते हैं, चुनाव के वक्त ढेर सारे वोटों से हमारी झोली भरते हैं, जिससे हमारी पार्टी की साख बनती है और आप जैसे घटिया लोग मंत्री बनते हैं। बहुत बोल लिया तुमने, बहुत बोल लिया। अगर वो तुम्हारा भगवान है पूजो उसे, चढ़ो उसके तल पे जाकर। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं आज से वही करूंगा जो सच होगा और सही होगा। अब दफा हो जाओ। हम तुम्हें मनमानी नहीं करने देंगे। हम भी जनता के चुने हुए नेता हैं। हमसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सलाम मंत्री। श्यामलाल मंत्री कल विकलांग भवन का उद्घाटन करने जाएगा जरूर, लेकिन वापस नहीं लौटेगा। लेकिन ये काम तो बड़े जोखिम का है, इसे करेगा कौन? इसका सब इंतजाम हमने कर दिया है, क्योंकि हम सुअर के बीच हैं। ये पकड़ो। आओ पहलवानों, आओ। देखो कल सवेरे 8 बजे मंत्री जी रवाना हो गए और बिल्कुल 8:30 बजे विकलांग भवन पहुंचेंगे। तुम सामने वाले बिल्डिंग से उस पर निशाना लगाना। याद रखना, मैं मंत्री को 4 कंधों पर देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों की लाशों को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझे? भागो। हेलो एवरीबॉडी। शांति लाल, कैसे हो मेरे भाई? जुग जुग जो, जुग जुग जो। 100 साल की उम्र हो तुम्हारी, 100 साल। वेरी गुड। आओ सुनो, देखो तुम लोग पूना वाले बंगले में पहुंच जाओ जी। और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग कहां हो। आज खुली जीप में चलते हैं। चलो।
तुम यहां होशियारी से रहना, मैं वहां से निशाना लगा के आता हूं। तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम मंत्री जी को चार कंधों पर उठाने का इंतजाम नहीं कर सके? मुझे माफ कर दो सर। माफ कर दो? माफी तो कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत बना देता कि तुम मौत के लिए तरसते, समझे? जाओ और उस मंत्री की बीवी को उठा ले आओ जल्दी। यस बॉस। साला मंत्री बच गया साला। एसपी साहब, जिन बदमाशों ने मेरे भाई को जान से मार डाला उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम उन्हें कहीं भी छुपा दो। तुम अपनी फिक्र करो निकिलाल, तुमने बहुत खून खराबा कर लिया। हाँ तुमने ठीक कहा एसपी, खून खराबा करना तो हमारा रोज का पेशा है, लेकिन अगर इस बार खून खराबा हुआ तो किसी चौराहे पर सर नहीं फटेंगे बल्कि तुम्हारी आंगन में चूड़ियां टूटेगी। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मेरी मौत का अफसोस छोड़ने के लाल, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। आज जो कुछ हुआ उसे साफ जाहिर है कि नेकीलाल और उसके साथियों के हौसले ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। इनके खिलाफ अब प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नेकीलाल और उसके साथियों का खात्मा कर सकता हूं। खान मेरी इजाजत नहीं, मेरा ऑर्डर है। इन सब असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द खत्म करो। मंत्री जी, मेरे भाई के मौत से मेरे सीने में जो आग लगी हुई है और उसके शोले शहर में जिस तरह भड़क उठे हैं, इसका एहसास तो तुम्हें हो गया होगा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है नेकीलाल, तुम्हारी भलाई इसी में कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं मंत्री जी, तुम्हारी ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी, क्योंकि शतरंज की बाजी तो अभी शुरू हो गई है। और हाँ, शतरंज का एक मोहरा तो मेरे पास भी है जो तुमसे बात करने के बहुत बेताब है। लो अपने अन्नू से बात करो। लो, डोंट टच मी। तुम कितने नीच कमीने हो, मुझे आज पता चला। ओ, तुझे आज पता चला? तुम अपनी बीवी की चीख सुनकर तुम्हारे दिमाग के तार झंझनाए या नहीं है? निकिलाल, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कहता हूँ छोड़ दो अनुराधा को। तुम अपने सर से ये देशभक्ति का भूत उतार दो और हमारे साथ मिलकर काम करो, वरना अपने कुर्सी और बीवी दोनों से हाथ धो बैठोगे। ले, समझा अपने सर फिरे पति को, समझा? अनु, तुम ठीक तो हो? आप मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा, आपके लिए देश से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का फक्र रहेगा कि मैं एक देशभक्त की पत्नी हूँ। वंदे मातरम। अब तेरा क्या इरादा है बे? सुना नहीं तुमने मेरी बीवी ने क्या कहा? मेरा भी वही जवाब है, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वंदे मातरम।
24 घंटों के अंदर अंदर हम लोग नेकीलाल और उसके साथियों का खात्मा कर देंगे। कौन हो तुम लोग? नेकीलाल तुम? इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लो। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है वाईजेडम खान एसपी साहब, हम खुद चलकर आए हैं तुम्हारे पास, गिरफ्तार कर लेना। लेकिन इससे पहले कुछ ठंडा गरम तो पूछो। इंस्पेक्टर अरेस्ट। गद्दार। ठहरो ठहरो ठहरो। एसपी साहब, तुमने बहुत दिन तक देश और समाज की सेवा कर ली है, कानून और फर्ज भी बहुत निभाया है तुमने, लेकिन अब तुमसे इन तमगों का बोझ ज्यादा दिन सहन नहीं होगा, इसलिए आज ही मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद किए देता हूं। जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी पड़ जाती है। ठीक वही हश्र होगा तुम्हारा नेकीलाल। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुमने कानून पर हाथ डाला? इस पिस्तौल में जो गोली है ना, उसकी औकात भी कुछ नहीं है, सिर्फ 25 रुपया। लेकिन जब ये सीने में चली जाती है ना, तो अनमोल जान लेकर बाहर आती है। तूने आज तक बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है एसपी, आज मैं तुझे गिरफ्तार कर रहा हूं। नेकीलाल, तू कानून को क्या गिरफ्तार करेगा? कानून ही एक दिन तुम्हें खत्म करेगा। सही जान की बात, वफादार पुलिस ऑफिसर अपने देश की जान भी दे सकते। हेलो, बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा है एसपी। ए, ले जाए इसको, चल। गधा कहीं का। अरे 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 अरे, इन देशभक्त फौजियों के साथ अंग्रेजों वाला जुलूम बहुत बुरी बात है। आराम जादे नेकी लाल, पड़ोसी की औलाद, तू एक बार अपने नादमों से हथियार डलवा कर तो देख, फिर मैं बताता हूं तेरा असली बाप कौन है। इन पिल्लों को इतना मारो कि इनके होश उड़ जाए, और तब तक मारते रहो जब तक इनके होश ठिकाने पर आ जाए। अच्छा, तो तू है वो नागी जिसने मेरे भाई को डसा था? आग दिखाती है, है? हाँ, वही मैं कीता हूँ जिसने तेरे भाई को मारा था। तूने मेरे खानदान को खत्म किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो रिश्वत राम जी, मंत्रिमंडल भंग हो गया है और नए नेता का चुनाव कल होगा। अच्छा, नेकीलाल जी बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो? मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है नेकीलाल जी, और कल पार्टी के नए नेता का चुनाव होने वाला है। अब आएगा मजा। बड़ा देशभक्त बनता था साला, एक ही झटके में गिर गया ना जमीन पर। कुत्ते नेकीलाल बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। मैं बिल्ली और कुत्ते को तुम लोगों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाने वाला हूं, मालूम है? पहले उस मंत्री को देखता हूं। नेकीलाल, अगर मंत्री को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा। कभी नहीं। देशभक्त बनते हैं। चलो चलो अंदर, चलो। ये जो विधानसभा भंग हुई है, इसमें नेकीलाल और उसके भ्रष्ट साथियों का हाथ है। जी हां, आप इस पर गौर कीजिएगा। मेरी बात गौर से सुनो,
कल नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। मैं रिश्वत राम को नए मंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। लेकिन नेकीलाल जी, मंत्री जी के साथ कुछ और भी तो एमएलए हैं। हाँ, उसकी चिंता मत करो, हमने सब इंतजाम कर दिया है। मंत्री अगर ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो उसकी बीबी और जिंदगी दोनों से हाथ धो बैठेगा। मान गए नेकीलाल जी, आपका भी कोई जवाब नहीं। अरे अभी तो हुआ ही क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो मंत्री बनाते हैं, बनते नहीं, क्योंकि हम आजाद पंछी है। को मार। नहीं विजय, तुम लोग जाओ, मैं इनके लिए अकेला ही काफी हूं। नहीं टोनी, नहीं, हमारे पास वक्त कम है और इन सब की ताकत बढ़ती जा रही है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं विजय,
तुम लोग नेकीलाल जैसे गद्दारों का खात्मा कर दो। मैं इनको अकेला ही संभाल लूंगा, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ। जालिम सिंह, तूने बहुत जुल्म किए, आज मैं तुझे खत्म करूंगा। रिश्वत राम जी आज पार्टी के नए नेता है, क्योंकि मंत्री जी न जाने कहां मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं, इसलिए रिश्वत राम जी के ना चाहते हुए भी हम इस जिम्मेदारी का भार इन पर सौंप रहे हैं। इसलिए मंत्री पद के लिए हम इन्हें निर्विरोध चुना हुआ घोषित करते हैं। हमारे फैसले पर किसी को कोई ऐतराज हो तो सामने आ जाए। ये तो सरासर बेइंसाफी है नेकीलाल जी। ये तो बहुत अन्याय है नेकीलाल। ये जबरदस्ती है, ऐसा नहीं चाहा। और किसी को हमारा फैसला मंजूर नहीं तो खड़े हो जाओ। ओ, वो देखो छुपे हुए मंत्री और उनके साथी आ रहे हैं। वाह 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 बिजू वाह। आइए आइए मंत्री जी आइए। अरे आपकी हालत किसने कर दी? आपसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, फिर आप देश को कैसे चलाएंगे? हाँ दूसरे लोगों को मौका दीजिए देश की सेवा करने का। नेकीलाल,
मैंने तुझ जैसा जलील और कमीना आदमी आज तक नहीं देखा। और देखने के लिए अब जिंदा भी नहीं रहोगे। चंद सर फिरे लड़कों की भीड़ इकट्ठा करके हुकूमत नहीं बदला सकते मंत्री जी। तख्तोताज हासिल करने के लिए दौलत और ताकत की जरूरत होती है। दौलत का करिश्मा तो तुम देख चुके हो, रही ताकत वो भी देख लो। हरामजादे! अरे खान साहब, अभी तक तो मैंने तुम्हारा गला भी नहीं दबाया, फिर तुम्हारी आंखें कैसे बाहर निकल आई? तुम जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की खिदमत में क्या पेश किया जाए? क्या किया जाए? क्यों फौजी, क्या इरादा है? अरे तू जरा मेरे हाथ तो खोल दे, फिर मैं तुझे मेरा इरादा बता देता हूँ। अच्छा देखो, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तो जैसे खटिया आदमी की बात मान लेने से तो मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। काश मैं कानून के हाथों मजबूर ना होता तो आज तुम्हारा इतिहास कुछ और ही होता। इतिहास तो मैं लिखूंगा तेरा। नेकीलाल! एए, अंदर मत आओ। बिरजू, बिरजू, संभाल। आपका कहा है नेकीलाल? एसपी साहब, इसे खोल बाबा। चलिए चलिए बाबा, चलो। नहीं दूंगा नेकीलाल, अभी तो मुझे अपने भाई जैसे दोस्त विशाल की कुर्बानी का कर्जा तकना है। कुत्ते, ये मेरे भाई जैसे दोस्त तो नहीं का है। ए नेकीलाल, ये मेरे बाबा, मौसी और बहन की मौत का बदला। चल गीता, पिला इस कुत्ते को। आज तेरे सुल्मों का अंत है नेकीलाल। खान साहब, ये देश के सच्चे भाई। थैंक यू सर।
इनका जोश देख के मुझे यकीन हो गया कि अपने देश का भविष्य उज्जवल है। अपने बाबा से मिलो। बाबा, शाबाश बेटे, तुम लोग हमेशा देश का नाम रोशन करो। बहुत अच्छे।